तीसरी बैठक संपन्न हुई और हर बैठक में हमने कोशिश करी है, प्रयास किया है कि आप सबके साथ मिलकर और परस्पर संवाद जो हमारा कम्युनिकेशन है वो लगातार बना रहे और इस कम्युनिकेशन के माध्यम से जो हमारे तमाम समस्याएं हैं या उद्योगों को सरकार से किस प्रकार की अपेक्षा है और उनके उद्योगों को चलाने के लिए सरकार किस प्रकार का काम कर सकती है, आपके सुझाव हैं वो आज भी मिले हैं और पहले की बैठकों में भी मिले हैं और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आप सब लोगों ने दिए हैं और वो ऐसे सुझाव हैं जिनको आदरणीय अजय भट्ट जी कह रहे थे उनको इंटरेस्ट आ रहा था और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मैं भी चूंकि मेरा इंटरेस्ट पहले दिन से ही था कि मैं आपकी जितनी भी चीजें हैं इनको कहीं ना कहीं जो मेरे पास जिम्मेदारी है जो सेवा का अवसर आप सब लोगों की शुभकामनाओं से मिला हुआ है तो उनको जो है कहीं ना कहीं हम लाएं, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि पहले के दिनों में जब भी हमको इंडस्ट्री के लोग बाहर मिलते थे तो वो कहते कि उत्तराखंड बड़ा अच्छा स्थान है, हम वहां पर अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर नहीं बनता था, एक माहौल नहीं बनता था, वो माहौल नहीं बनने के कारण से जो लोग हमारे यहां आना चाहते थे वो नहीं आते थे। तो आप सबको याद होगा कि आपने एक लंबी लिस्ट जो है मधुबन होटल में जब हम लोग पहली बार बैठे थे वो अक्टूबर में 2021 में, तो उसमें से अधिकांश मैं समझता हूं कितने संधु साहब 90% हो गया होगा सब, मतलब सारे के सारे हो गए और जो भी जो आपने आज रखे हैं, लेकिन वो चूंकि अब लगभग 2 साल होने वाले हैं, 2 साल, हाँ 2 साल हो जाएंगे, तो इतना इस बीच में जो नई नई चीजें आई हैं वो रखी हैं आपने और उसको हमने प्रयास किया कि वो सारी की सारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए, उनका समाधान निकले। उसके पीछे हेतु एक ही है कि हम अभी इन्वेस्टर समिट भी करने वाले हैं, इन्वेस्टर समिट पहले भी हुई है, अब होती हैं फिर चली जाती हैं, बड़ा एक आयोजन हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। अब इन्वेस्टर समिट के भी असली जो ब्रांड इन्वेस्टर हैं हमारे वो आप लोग हैं, जिनको मैं पहले दिन से ब्रांड इन्वेस्टर कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि देखिए हम बाहर के उद्योग वालों से मुंबई भी जाएंगे, बेंगलोर भी जाएंगे और भी बड़े शहरों में जाएंगे, जगह जगह पर लोगों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे आइए, हो सकता है पंकज जी का देश विदेश में भी बना रखा होगा, उनसे भी कहेंगे कि आप आइए, लेकिन वो जब आना चाहेंगे या मन बनाएंगे तो जरूर ये तो देखेंगे कि वहां पर जो इंडस्ट्री पहले से लगी हुई है वो कैसे चल रही है, उन इंडस्ट्री की सरकार चिंता कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार उनके विकास के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनका समाधान कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसलिए पहले दिन से हमारा प्रयास था कि आप सबकी बातों को सुनकर आपका विकास होगा, आपका संवर्धन होगा, आपकी इंडस्ट्री अच्छी चलेगी तो राज्य को भी फायदा होगा, राज्य का नाम भी बढ़ेगा और जो लोग बाहर से आने वाले होंगे वो सबसे पहले आप ही से पूछेंगे, आप ही लोगों से जानकारी करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, कोई ना कोई जान पहचान वाले से करवाएंगे या कहीं से पता करवाएंगे, कोई गुंडागर्दी का माहौल तो नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, है वहां पर समाधान त्वरित रूप से होता है कि नहीं होता है, अनावश्यक रूप से कोई नियम तो नहीं बनाए गए जिनके कारण से परेशानी होती है। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने एक तो ये प्रयास किया कि लगातार थोड़ा, वैसे हम लोग 1 साल में बैठते हैं लेकिन औपचारिक रूप से 1 साल में बैठते हैं, लेकिन उसके अलावा अनौपचारिक रूप से हम बीच बीच में सब लोग बैठते रहते हैं और हमारे उद्योग सचिव भी और हमारे संधु साहब भी, मुख्य सचिव साहब, ये सब लोग लगातार मिलते हैं, बात करते हैं और लगातार ऐसा प्रयास करते हैं कि सभी चीजों का सरलीकरण हो और उनका समाधान निकाला जाए।
क्योंकि ज्यादा चीजों का जब तक सरलीकरण नहीं होगा तो कठिनाई काम करने में होती है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटी हमारे यहाँ औपचारिकताएं इतनी हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बताया, बहुत सारे लेबर डिपार्टमेंट के बारे में बताया, बिजली की बात बताई, सड़क की बात बताई, हर जगह की जो भी बातें आई हैं, कुछ राजस्व से जुड़ी हुई बातें आई हैं, स्टाम्प से जुड़ी हुई, अच्छा सुझाव पंकज जी ने दिया है, तो सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने नोट भी किए हैं। हमारा प्रयास होगा कि केवल उसको एक औपचारिक बैठक के रूप में ही न किया जाए बल्कि इनका सबका समाधान किया जाए। और जो भी आप लोग बताते हैं हम उसके सर्वप्रथम शासनादेश निकाल देते हैं। आज भी जितनी चीजें आपने बताई है कुछ चीजें त्वरित रूप से होने वाली हैं कि त्वरित रूप से उनका समाधान हो सकता है, और कुछ दीर्घकालिक हैं, कुछ आगे के लिए हैं, कुछ परीक्षण वाली हैं, उसमें कुछ बहुत सारे जो विषय आप सबके बीच में से आए सरकार ने भी उनको सो मोटो लिया है पहले से, वो हम स्वयं मंत्रिमंडल में लाने वाले हैं। बहुत सारी जैसा वन टाइम सेटलमेंट की बात अनिल जी ने और अन्य लोगों ने आप लोगों ने करी है वो सब हम लोग लाने वाले हैं, तो उनका सबका समाधान करेंगे। और हमारा ध्येय यही है कि हमारी जो इंडस्ट्रियां लगी हुई है, हमारे जितने सिपकुल स्थापित हैं, वो सारे के सारे अच्छे प्रकार से चलें, उनका विकास हो, संवर्धन हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अभी आपने महिला वर्कर्स के बारे में भी कहा है तो उसके बारे में भी, और सारी चीजें कंटस्थ हैं, वैसे कुछ लिखा भी है और उधर हमारे ये सब उसको कर भी रहे, जिसे उसके हिसाब से चल रहा है, यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो ये सब समाधान करेंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करते हुए, और थोड़ा ये नया अनुभव भी रहा है क्योंकि उद्योग मित्र और इस प्रकार की जो बैठक होती है, बैठक हमारी राजधानी में होती है या उसके आसपास होती है, तो ये मैंने इस बार हमारे उद्योग सचिव से कहा कि क्या ये बैठक रुद्रपुर में हो सकती है, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल हो जाएगी और हम आप लोग आराम से यहाँ आए हैं, किसी को वैसे देहरादून से आए हैं, कोई दूर से आए, थोड़ा परेशानी भी हुई होगी आप लोगों को, लेकिन अच्छा ये रहा कि आप लोगों की भी थोड़ा आउटिंग भी हो गई इसी बहाने, और नए नए स्थानों पर हम बैठक करते हैं, और जो हमारा ये पंतनगर का सिपकुल है आसपास का, इसको बनाने में उस समय हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने हमारे को पैकेज दिया, उस पैकेज के कारण से यहाँ इंडस्ट्री आई, और यहाँ पर उस समय के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी थे, तो चूंकि अटल जी के नाम से भी बहुत सारे संस्थान यहाँ पर चल ही रहे देश के अंदर, तो ये जो पंतनगर का सिपकुल है उसको मैं पहली बार जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की हम लोग बैठक ले रहे थे, कुछ इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, तिवारी जी का जन्मदिन था तो इसका नामकरण भी हमने जो है उनके नाम से ही करने का संकल्प लिया था, तो आज उनका हम लोग एक वो भी बना रहे हैं, वहां पर हमने एक चित्र भी उनका लगाया है,